प्रीति, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। लेट्स गेट रेडी विद मी फॉर रक्षाबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज मैं रक्षाबंधन के लिए पहने आई हूँ ये वाला ड्रेस। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, उसके पहले हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। उसके बाद तो देखो, मैंने थोड़ा सा बेस करके रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कंसीलर एंड थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की है मैंने। सो चलो हम लोग पहले से पहले लगाते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडी होना चाहिए हमें, रक्षाबंधन स्पेशल है। तो मैं पहले लगा रही हूँ ब्लश, विच इज़ Maybelline फिट मी ब्लश इन शेड 03। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लश भी नहीं लगाया, बच गया। ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी, लुक एट दिस। बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लुक देता है ये, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हमें कि बहुत हमने मेकअप भी किया हुआ है, और काफ़ी अच्छा सा लुक देता है मुझे। इट इज़ नॉट ग्लिटरी, ये भी अच्छी बात है, ग्लॉसी नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल्स है इसमें, लेकिन नेग्लेजेबल है, हम चंकी नहीं है कम से कम, एटलीस्ट लुक एट दिस। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, अगर ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हो ना आप, तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा कि आपने इतना सारा ब्लश क्यों लगा रखा है। आपको खाली बस वही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवरडन ना हो जाए, जो कि हर ब्लश में होता है। देखो लुक एट दिस, इट इज लुकिंग सो सो प्रिटी। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आई लाइनर, विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट इज स्विस ब्यूटी जेट ब्लैक आई लाइनर, और ये सच में जेट ब्लैक। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना मुझे, लेकिन बस थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है, लुक एट दिस। थोड़ा सा विंग करेंगे हम लोग, और पेन आईलाइनर से थोड़ा सा इजी होता है, ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, लुक एट दिस। स्विस ब्यूटी के पेन आईलाइनर काफ़ी अच्छे हैं, ये आना, और उसके बाद एक और है स्विस ब्यूटी का ही, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको डिफिकल्ट लगता है आईलाइनर लगाना, तो मेरे ख्याल से आपको ये पेन आईलाइनर ट्राई करने चाहिए, आजकल तो बहुत अच्छा लग गया, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको स्विस ब्यूटी में भी एक और ऑप्शन है, गोल्डन कलर का आता है, मुझे नाम याद नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, वो एक्चुअली वो फेल टिप है, ये थोड़ा सॉफ्ट वाला जो होता है वो वैसा है। अब मुझे कमेंट बताओ क्या आपको आईलाइनर लगाना आता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक, तो मैंने नहीं लगाया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं लिप टिंट, विच इज़ फ्रॉम फेस शॉप, मैंने ये नया मंगवाया है, देखते हैं कि कैसा, दिस इज़ फ्रॉम फेस शॉप, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, दिस इज काफ़ी प्रिटी है ये एक्चुअली, इट इज़ वाटर फिट टिंट फ्रॉम द फेस शॉप, और ये इसका शेड है पिंक, मैट पिंक समथिंग नाम था इसका, मैं भूल गया, हाँ पिंक मैट, सॉरी पिंक मेट एक्चुअली। ओके, सो प्रिटी, लगा के देते हैं, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगाया हुआ है, वो हम हटा देते हैं। ओके, लेट्स अप्लाई इट। वेरी इट इज़ वेरी कोल्ड, काफ़ी अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट लग रहा है मुझे इस लगाने पे, और कलर भी जैसा हमें यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है। एक्चुअली टेंट इज सपोज टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि लिपस्टिक से थोड़ा डिफरेंट होता है टेंट, पोंछ दिया मैंने। ओके, इट शुड बी नॉन ट्रांसफरेबल, लुक एट दिस, मैंने अभी देख मेरे यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, काफ़ी अच्छा कलर दिया है इसमें, बहुत इवन है। नॉर्मली टिंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि टिंट आपको इवन नहीं देता कलर, बट इसे मुझे लगाने से फील हो रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिकेगा, तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ वर्थ द प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। आप अगर आपको अमेजोन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा, इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 550 समथिंग, लेकिन आपको अमेजोन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में 400-350 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, तो अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है, जाकर ज़रूर चेक कर लेना, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मुझे लगता है कि मेकअप के लिए काफ़ी है अभी हम लोग का, हम जाकर थोड़ा सा चेंज करके आते हैं, जो कि है ये ड्रेस, लुक एट दिस,
ड्रेस इज फ्रॉम ब्रांड जनायसा जो कि अमेज़न का होम ब्रांड है एंड हैव अ लुक इट इज सो प्रिटी मतलब कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कॉटन है मुझे ना कॉटन ड्रेसेस बहुत पसंद है मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी कॉम्फी और मैं काफ़ी टाइम पूरे दिन पहन सकती हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगा एंड लुक एट दिस इसका नेक लाइन देखो आपको दिख रहा है ये रहा काफी अच्छा स्वीट मतलब कि यू नो ऐसा 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 पेंटागन शेप होता है शायद मुझे याद नहीं है जो भी इट इज वेरी वेरी प्रिटी मैं स्लीव्स भी देखो ये बलून स्लीव्स काइंड ऑफ दिए हैं और इसका लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है इट इज बिलो नी तो ये अगर आप रेगुलर भी पहनते हो फैमिली फंक्शन में पहनोगे तो भी बिल्कुल बिल्कुल इशू नहीं आएगा तो मैं जाकर जल्दी से ये चेंज करके आती हूँ टाडा लुक एट दिस गाइस इट इज सो प्रिटी मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा अच्छा है इट इज वेरी वेरी प्रिटी बहुत ज्यादा अच्छा है ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको बहुत परफेक्ट लेंथ भी है इसकी देखो मतलब ये नी से नीचे आ रहा है ऑलमोस्ट बहुत परफेक्ट लग रहा है मुझे तो कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल यू नो पिंक रेड एंड ग्रीन सियान टाइप कलर का है स्लीव भी बहुत परफेक्ट लेंथ है मुझे लग रहा है कि स्लीव ही थोड़ा सा लूज है मुझे तो वो मुझे मैं थोड़ा सा टाइट भी करवा लूंगी तो भी चलेगा बट दिस गिव्स अ वेरी 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 प्रिटी लुक लुक एट दिस मैंने ये लिपस्टिक बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इट इज परफेक्ट फॉर द ओकेजन और हाँ गाइस आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट मैं एक फुटवेयर भी मंगवाया है लुक एट दिस तो मैं सोचा कि क्योंकि इस ड्रेस के साथ मुझे पूरा लुक कम्प्लीट करना है तो लुक एट दिस सैंडल इट इज वेरी वेरी प्रिटी मतलब मैंने ये मंगवाया था तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर आएगा इट इज़ वेरी प्रिटी इट इज़ ये थोड़ा सा नॉर्मल हील्स है एंड इट विल गो विद एवरी आउटफिट आप कुछ भी पहनते हो तो साथ अच्छा लगेगा एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल मैंने ही पहन के भी देखा है यहाँ पे बहुत अच्छा सॉफ्ट सा मटेरियल है और यहाँ सामने इलास्टिक है तो आपको नहीं यू नो ये बकल्स में काफ़ी डिफिकल्टी होती है पहने उतारने में तो ये आप पूरे दिन पहन के रख सकते हो और इसका ये हील्स भी बिल्कुल परफेक्ट है इट इज़ नॉट बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है काफ़ी अच्छा सा लुक भी दे रहा है पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा सा लुक देता है तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा इस ड्रेस के साथ मैं पहनने वाली हूँ बट बताए क्या ये आप किसी भी आउटफिट पहन सकते हो एनीवेज गाइस आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो आप सब और हाँ गाइस सबसे पहली बात आप सभी को विश अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन कमेंट में मुझे बताओ कि आपका आप अपने ब्रदर सिस्टर से कितना प्यार करते हो सो गाइस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय बाय नमस्ते